नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे के एडवांस बुकिंग के बारे में, और जानेंगे इसने वर्ल्ड वाइड में एडवांस बुकिंग कितने करोड़ का कर लिया है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप लोग बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने जोरदार तरीके से एडवांस बुकिंग की है कि नहीं। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि राधे का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसके ट्रेलर ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से ओपनिंग ली थी, और वहीं दो गाने भी रिलीज कर दिए गए थे। दोस्तों आप लोगों को बताते कि राधे में सलमान के साथ नजर आएंगी दिशा पटानी, और उनके साथ नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, और दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि आप लोगों को जेके श्रॉफ भी नजर आएंगे। दोस्तों वहीं बात कर लेते सलमान खान की राधे फिल्म के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से सलमान खान की राधे फिल्म का बस बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वह 2021 की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए थिएटर बंद है, जिसके कारण ये इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों दोस्तों लेकिन दावा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यह फिल्म अपने एडवांस बुकिंग जोरदार तरीके से कर रही है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग कर ली है 6,200 शो इस फिल्म ने बुक कर लिया। दोस्तों आप लोगों को बता दें, 13 मई तक इस ये फिल्म लगभग लगभग 1,000 से 15,000 तक के शो बुक कर लेगी। जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये बहुत ही जोरदार फिल्म होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, ये सलमान खान की ये राधे फिल्म वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ का कारोबार करेगी? 100 करोड़, 200 करोड़ की, 300 करोड़? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर सलमान खान के डाई हार्ड फैन है, तो हमारे और आपके चैनल JBC ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसे डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट और OTT प्लेटफॉर्म की अपडेट आपको लोगों को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।